के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में निषाद आरक्षण संवाद बस यात्रा का शुभारंभ सनक मल्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर बस यात्रा की शुरुआत की गई। निषाद विकास संघ के सनक मल्ला ने कहा कि निषाद आरक्षण संवाद बस यात्रा का उद्देश्य निषाद आरक्षण की लड़ाई को घर घर तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में बस जाएगी और समाज को एकजुट करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का नामकरण हो चुका है। 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में उपस्थित लोगों के सामने पार्टी की घोषणा की जाएगी और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने समाज के बीच में ये संवाद लेके पहुंचाएंगे कि आपके साथ जो वादा किया वो कहीं ना कहीं छल रहा है और कहीं ना कहीं हमारे प्रति जो प्रधानमंत्री जी का जो 2015 में विचार था वो आज हमारे प्रति उस तरीके का नहीं है, क्योंकि अपने हमारे समाज के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। तो आने वाले समय में जिले में घुमाइएगा, ये बिहार के सभी 3800 जिला में घूमेगा। हर जिला में रात्रि विश्राम होगा, हर जिला में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हुजूम, उसी तरीके से हर जिला में तैयारी किया गया है और हर जिला में व्यवस्था करके और हम लोग पूरे बिहार से निमंत्रण देंगे कि आप गांधी मैदान में आइए और 4 तारीख को 4 नवंबर को पूरे बिहार से निषाद परिवार गांधी मैदान में आएंगे, जो 10 लाख का संख्या होगा और वो गांधी मैदान में आएंगे। उसी रोज अपने शक्ति का एहसास कराएंगे बिहार में और उसी रोज निषाद विकास संघ ने एक पॉलिटिकल पार्टी का स्थापना कर चुका है जो उसका शॉर्ट नाम है VIP, जो आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टी बैनर तले हम लोग पूरे कितना जन समर्थन है, कितना हमारे पास शक्ति है वो हम लोग दिखाएंगे। और साथ मिलने की बात कर रहे थे क्या? हम किसी के साथ मिलने के लिए हम इच्छा नहीं रखते। जिनको मिलना वो हमसे आते बात करें, हम किसी से बात नहीं करेंगे। जिनको हमसे राजनीति करना, निषाद समाज का वोट चाहिए वो हमारे पास आके मिले, क्योंकि बिहार में 14% वोट बैंक हमारे पास है जो निषाद के 18 उपजाति है। इतना वोट बैंक किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना खुद का नहीं है, यहाँ तक किसी के पास भी नहीं है। तो इसलिए हम आज की तारीख में बिहार में एक बड़ा वोटर है, बड़ा भाई है। जिनको भी बात करना है वो हमसे आके बात करें। हमारे समाज के विचारधारा के साथ, हमारे लड़ाई के साथ रहेगा, जो हमारा सुनेगा उनके साथ हम लोग आने वाले समय में सोच सकते हैं गठबंधन करने का। लेकिन अभी हमारा पहला निर्णय है कि 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शक्ति दिखा के पार्टी का नाम का घोषणा करेंगे और पूरे बिहार में अपने पार्टी के बैनर तले काम करेंगे और अपना शक्ति आने वाले समय में दिखाएंगे। नेशन 24 के लिए पटना से प्रीति सिंह के साथ नीरज कुमार की रिपोर्ट।